हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली ये जो है एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, नेशनल लेवल का ये टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है जिसे CBSE कंडक्ट करवाती है। और अब जो है ये एग्जाम दिसंबर में होने वाला है 2022 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, अब कौन इस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल है, मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के ऊपर बात करेंगे और साथ में एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है और सिलेबस क्या होगा इस एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में जनरल और ओबीसी के एक पेपर के लिए, सिंगल पेपर के लिए, वो चाहे पेपर वन हो या फिर सिर्फ पेपर टू है। एक ही पेपर अगर आप देंगे तो 1000 रुपीज़ फीस है एंड दोनों पेपर वन और टू इकट्ठे देंगे तो 1200 रुपये है। और SC ST और डिफरेंटली एबल्ड के लिए सिंगल पेपर के लिए वन या पेपर टू के लिए 500 है और दोनों पेपर के लिए 600 फीस रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर वन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, पेपर टू के लिए। पेपर वन बेसिकली फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर के लिए होता है, प्राइमरी टीचर के लिए। आपके पास 12th होनी चाहिए और या फिर साथ में आपके साथ DLED हो या फिर BLED हो, DED स्पेशल हो या DED हो, BED हो और साथ में ग्रेजुएशन हो, तो इनमें से कुछ भी होगा तो आप पेपर वन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BED वाले कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है कि BED वाले भी अब एलिजिबल है फॉर PRT, तो आप ये जो है पेपर वन दे सकते हैं। पेपर टू जो है 6th to 8th के टीचर्स के लिए है, ये अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपके पास DLED भी हो सकता है, BLED भी या फिर BED और BED स्पेशल भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि हमने ग्रेजुएशन करी हुई है और साथ में हमने DLED किया हुआ है, BED नहीं की हुई है, तो इस केस में आप पेपर टू दे सकते हैं। बट पेपर टू मीन्स हम जो है TGT के लिए अप्लाई करने वाले हैं बेसिकली, तो TGT में BED की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे वो पेपर आपका वैलिड, मतलब आपने पेपर दे दिया, आप अपने प्रैक्टिस के लिए पेपर दे सकते हैं। बट जब आप इस पेपर को कहीं भी शो कर रहे हैं या इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है आपके पास BED होनी चाहिए, तो मीन्स एग्ज़ाम तो दे सकते हैं बट BED के बिना वो पेपर टू वैलिड नहीं होगा आपका। तो इस तरह से आप जो है पेपर वन और पेपर टू की एलिजिबिलिटी है। एज की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट के बारे में एज सच कुछ गिवन नहीं है कि कोई एज लिमिट यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इन फॉर्म्स को, मतलब इन पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो हमारी जो है ये MCQ बेस्ड पेपर होगा और ऑनलाइन मोड में होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। 150 नंबर का पेपर होने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मिनट का ही टाइम मिलेगा, मीन्स 2.5 घंटे का टाइम हमें मिलने वाला है। अब जो है वो पेपर किस तरह से आएगा, सिलेबस जो रहेगा, पेपर वन में भी जो है आपके 5 पार्ट रहेंगे, हर एक पार्ट 30-30 नंबर का रहेगा, मीन्स आपके CDP आएगा 30 नंबर का, इंग्लिश आएगी 30 नंबर की, हिंदी, मीन्स ये इंग्लिश हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया है, मान लो आपने लैंग्वेज वन जो चूज़ की है वो आपकी 30 मार्क्स की आएगी, लैंग्वेज टू जो है वो 30 मार्क्स की आएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का आएगा और एनवायरमेंटल स्टडीज 30 मार्क्स आएगा, तो टोटल 150 मार्क्स हो गए। और पेपर टू की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें CDP और लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू तो रहेंगे 30-30 मार्क्स के। और जब आप पेपर टू के लिए अप्लाई करें, मीन्स TGT, तो जिस फील्ड में आपने BED की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आप मैथ्स या साइंस आप चूज़ करेंगे या फिर सोशल साइंस चूज़ करेंगे। तो अगर आपने मैथ साइंस चूज़ किया तो मैथ्स और साइंस 30-30 नंबर के आएंगे, 60 नंबर का ये आएगा और अदरवाइज सोशल साइंस आएगी 60, मीन्स इन दोनों में से कोई एक ही आपका आएगा अकॉर्डिंग टू योर BED। तो ये भी टोटल हो गया 150 मार्क्स का। तो ये था पूरा एग्जाम पैटर्न फॉर सीटेट 2022। अब बात कर लेते हैं इनका सिलेबस कैसे रहेगा। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आप में डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का टॉपिक रहेगा 15 नंबर का, लर्निंग एंड पेडागॉजी आएगी आपकी 10 मार्क्स की और इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स की। पेपर वन की मैं बात कर रही थी। अब जो है लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, लैंग्वेज में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर की आएगी और पेडागॉजी रहेगी 15 नंबर की। सेकेंड लैंग्वेज में भी सेम रहेगा, 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी। मैथमेटिक्स में आपके रहेंगे नंबर्स, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, टाइम मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग, सॉलिड्स एंड डाटा हैंडलिंग एक्सेट्रा, ये वाले टॉपिक्स रहने वाले हैं और 15 नंबर का ये टॉपिक्स रहेंगे और 15 नंबर का जो है आपका
पैडागॉजी रहेगी। सिमिलरली साइंस एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी रहेगी और 15 नंबर के एनवायरमेंट, फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली वाले टॉपिक्स रहेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा सब कुछ, मैथ्स के टॉपिक्स भी और आपके ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ के टॉपिक भी। अब बात कर लेते हैं पेपर टू में, वही सेम रहेंगे, पैडागॉजी रहेगी आपकी, इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह, थ्योरीज़ वगैरह रहेंगी, और लैंग्वेज वन और टू में वही 15 नंबर की पैडागॉजी और आपके कॉम्प्रिहेंशंस रहेंगे। साइंस और मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं, इन दोनों में जो 30-30-60 नंबर का ये आएगा, तो मैथ्स में वही आपका 8 तक का सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद साइंस में भी वही टॉपिक्स रहेंगे, जैसे फूड हो गया, लिविंग मूविंग थिंग्स हो गई, आइडियाज़ हो गए। अब सोशल स्टडीज़ में आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स रहेंगे, ज्योग्राफी के रहेंगे, पैडागॉजी रहेगी 15 नंबर की, और पॉलिटिकल लाइफ से क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये टोटल सिलेबस था, सिलेबस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, और जो है इसकी एक और प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है, आप वो भी जो है उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आपको जो है ओवरऑल सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।